ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑकुलर इंजरी ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि आँख में सूजन के इलाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आँख में सूजन आ जाने पर इसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम यूज़ करते हैं, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आँख में सूजन आना क्या होता है। देखिए, मैंने इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा है, उसी के साथ साथ हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा है, तो होपफुली आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के या फिर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को समझने में कोई भी परेशानी कठिनाइयाँ जो है वो नहीं आने वाली है। वैसे फ्रेंड्स, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आँख या आँख के सॉकेट पर किसी भौतिक या रासायनिक घाव का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ आँख को खरोचती है या फिर से जहरीले रसायनों या बड़े आघात के संपर्क में आने से आँख पर अधिक गंभीर चोट लग सकती है, तो इसे ही हम लोग ऑकुलर इंजरी कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या फिर से आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं हम लोग सिम्टम्स के बारे में। आँख में सूजन आ गई है, इंजरी आ गई है, तो क्या क्या लक्षण कॉमनली देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स हमारा पेन, दर्द होना, स्वेलिंग, सूजन आना, रेडनेस, आँख लाल होना, ब्लर विजन, धुंधला दिखाई देना, वॉटरी आई, आँखों से पानी आना। तो ये इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कि आँख में सूजन आने पर देखने के लिए मिल सकती है। बाकी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इलाज के बारे में, किन दवाइयों का यूज़ करके आँख में सूजन आ जाने पर उसका इलाज जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी है किटोलोलैक आई ड्रॉप। बेसिकली ये जो है वो किटोवेल नाम से आती है, वहीं पर इसका उपयोग कंट्रोल एंड ट्रीट एलर्जीज, इरिटेशन, वॉटरी आई, ठीक है, आँखों से पानी आना, आँखों में एलर्जी हो जाना, खुजली होना, ठीक है, तो इन सभी सिम्टम्स को लक्षण को ट्रीट करने के लिए जो है ना वो किटोडोलैक आई ड्रॉप का हम यूज़ करते हैं। वहीं पर इसका डोज 4 times in a day, ठीक है, आँखों में ये ड्रॉप जो है वो 4 times डालना है एक दिन में। चलिए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आती है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दोस्तों आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, तो बैक्टीरिया को किल करने में या फिर से कह सकते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने में जो है वो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ इसका डोज आफ्टर ईच 6 hours ऑफ गैप, यानी कि हर 6 घंटे के गैप पर जो है वो इस मेडिसिन को आँखों में डालना है, मतलब ये ड्रॉप को जो है वो आँखों में डाला जाता है। कितने आवर की गैप पर? तो 6 hours की गैप पर। मानिए अभी आपने यहाँ पे आँखों में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप डाला, फिर आपको जो है वो कम से कम 6 घंटे के बाद ही जो है वो सेकेंड डोज डालना है। बाकी फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट है, और देखिए ये भी एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। वहीं पर इसका उपयोग कैसे करना है, तो आँखों के अंदर इसे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब कि आँखों की जो कॉर्नर होती है ना, आँखों के ऊपर ऊपर इससे जो है वो अप्लाई किया जाता है। बाकी इसका डोज जो है वो BD in a day, BD कहने का मतलब दिन में 2 बार जो है वो अप्लाई किया जाता है।
उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर USP लिखा हुआ है, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे 0.3% WYW लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है WYW का मतलब? तो WYW का मतलब होता है वेट वाई वेट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दवाई हमारी जो है वो पेन कंट्रोल मेडिसिन है, यानी कि आंखों में सूजन आ गई है, इंसरी हो गई है, तो उस कंडीशन में दर्द होती, तो उस दर्द को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए जेरोडॉल SP टैबलेट का यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट का जो है वो यूज़ किया जाता है। जेरोडॉल SP टैबलेट में क्या पाया जाता है? तो एसिक्लोफिनेक, सिलाइटोपेप्टिडेज एंड पैरासीटामोल जो है वो पाया जाता है। एसिक्लोफिनेक दर्द को कम करने में मदद करता है, उसी के साथ साथ सिलाइटोपेप्टिडेज जो है वो सूजन को कम करने में मदद करती है, बाकी पैरासीटामोल जो है वो दर्द व बुखार को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पे दर्द एवं सूजन आ गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जेरोडॉल SP टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी एक ही मेडिसिन का आपको यूज़ करना है। वहीं पे बात करें डोज के बारे में, तो 1 टैबलेट BD TDS इन अ डे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद जो है वो एक दिन में 2 या फिर से 3 टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे BD का मतलब होता है दिन में 2 बार और TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी क्लोनाजेपाम डिस्पर्सिबल टैबलेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ इसका यूज जो है वो इट्स टाइप्स ऑफ स्लीपिंग ड्रग्स, बेसिकली ये मेडिसिन जो है ना वो स्लीपिंग मेडिसिन है, यानी कि ये जो मेडिसिन है ना वो नींद की मेडिसिन है। इसे खाने के बाद जो है वो आपको नींद जल्द से जल्द आ जाएगी। वहीं पर इसका डोज 1 टैबलेट बिफोर स्लीप आफ्टर मील, खाना खाने के बाद और सोने से पहले जो है वो 1 टैबलेट का इस्तेमाल आपको करना है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो विटामिन सी टैबलेट है। बाकी ये जो है वो लिम्सी नाम से आती है। वहीं पर इसका उपयोग, इट्स यूज फॉर प्रोटेक्ट सेल्स डैमेज, यहाँ पे सेल्स अगर डैमेज हो गई है तो उससे प्रोटेक्ट करने में लिम्सी टैबलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। वहीं पर इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद जो है वो एक दिन में 2 बार इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो रैनिटिडिन टैबलेट है और ये एसीलॉक नाम से आती है। वहीं पर 150 लिखा हुआ है, तो 150 का मतलब एक्चुअल में होता है MG, ठीक है। उसी के साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना वो 300 MG में भी आती है। बाकी इसका यूज जो है वो गैस, एसिडिटी, इरिटेशन, यानी कि पेट के समस्या में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है ना, हमारे स्टमक में HCL की प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने में या कम करने में जो है ना वो रैनिटिडिन टैबलेट काफ़ी हेल्प करती है। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से समझिए तो पेट में जो गैस बनने की समस्या होती है, तो उसे कम करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है वो रैनिटिडिन टैबलेट या मेडिसिन जो है वो उपयोग में ली जाती है। बाकी इस मेडिसिन का डोज जो है वो 1 टैबलेट BD TDS इन अ डे आफ्टर मील जो है वो लिया जाता है। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार और TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, यानी कि खाना खाने के बाद जो है वो इस मेडिसिन को दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयां थी जिनका इस्तेमाल करके अगर आंख में सूजन आ गई है तो उसका इलाज किया जाता है। उसी के साथ साथ ये सभी दवाइयां काफी ज्यादा असरदार एवं हेल्पफुल मानी जाती है। बाकी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो इन दवाइयों का बहुत बार यूज करते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए।
और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।